नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की पार्टी के साथ सरकार बना लिए हैं। लेकिन इस बार सुशासन नहीं कुशासन बाबू के नाम से सीएम नीतीश की छवि बन रही है। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिहार में नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहलाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुशासन कैबिनेट तैयार कर लेते हैं। कार्तिक कुमार अकेले नहीं है जिनका अपराध जगत से पुराना नाता रहा है। आरजेडी के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा कराने और आपराधिक साजिश रचने के समेत कई संगीन आरोप लग चुके हैं और कई केस भी दर्ज हैं। साल 2005 में चुनाव के दौरान बूथ लूटने का आरोप भी सुरेंद्र यादव पर लगा था, लेकिन अब वो नीतीश कैबिनेट में सहकारिता मंत्री हैं। जदयू कोटे से मंत्री बने जामा खान की छवि भी बिहार में दबंग नेता की है। जामा खान पर हत्या करने की कोशिश समेत 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन वो जमानत पर बाहर हैं और अब बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार ने जिन सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया है उस पर नीतीश सरकार ने कभी चावल घोटाले का केस किया था। ये घोटाला 2013-14 में हुआ था और ये मामला अब भी अदालत में चल रहा है। अंदाजा लगाइए कि बिहार को अब कैसे कैसे लोग चलाएंगे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने नीतीश कुमार समेत 33 में से 32 कैबिनेट सदस्यों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया है, जिससे पता चला है कि बिहार की नई सरकार में 33 मंत्रियों में से 23 यानी 72% के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल के 88% मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं, जिसके 17 में से 15 मंत्री दागी हैं। इसके बाद जदयू के 11 में से 4 यानी 36% मंत्रियों पर मुकदमा दर्ज है। अगर कांग्रेस की बात करें तो दोनों मंत्रियों के अलावा हम और निर्दलीय कोटे से मंत्री बने विधायकों पर भी मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की आधी से ज्यादा कैबिनेट पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। 17 यानी 53% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। RJD के 11, जदयू के 2 और कांग्रेस के 1 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आपको बता दें कि गंभीर आपराधिक मामला होता क्या है। गंभीर आपराधिक मामले उन्हें माना जाता है जिनमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान होता है। ये गैर जमानती होते हैं। हत्या, मारपीट, रेप, किडनैपिंग के केस गंभीर आपराधिक मामले में गिने जाते हैं। ये सिर्फ हैरान करने वाली बात नहीं है बल्कि परेशान करने वाली बात भी है। लेकिन इसे ना तो नीतीश कुमार कबूल करने को तैयार हैं और ना ही लालू प्रसाद यादव। अब लालू यादव माने या ना माने, नीतीश कुमार माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हकीकत यही है कि बिहार अब एक बार फिर से आपराधिक छवि वाले मंत्रियों की मुट्ठी में है। इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में लेसी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है, जिन पर जदयू के ही विधायक बीमा भारती ने पूर्णिया में हत्या करवाने के आरोप लगाए हैं।